पूर्व मंत्री सुनील कुमार पिंटू हमारे साथ है सर, बीजेपी छोड़ के जेडीयू में शामिल। अरे भैया कोई जेडीयू में बीजेपी जेडीयू नहीं छोड़े, सब एक है भाई, आप लोग ऐसे क्यों कहते हैं? आप जिस तरीके से सीतामढ़ी का उम्मीदवार आपको बनाया गया, सबसे पहले उसके लिए बधाई भी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद, आपके सामने किस तरह की चुनौती होगी, क्योंकि दूसरे जो जेडीयू के उम्मीदवार थे उन्होंने तो रण छोड़ दिया। नहीं, कोई वहाँ चुनौती नहीं है, वहाँ कोई चुनौती नहीं है और वहाँ जनता आगे है, बस इतना ही मुझे कहना है। लेकिन जिस तरीके से जो जेडीयू के, हाँ बीजेपी सब देखिए, लेकिन सर हाँ। आप दे दिया पिंटू जी, अच्छा जेडीयू में शामिल होने के पहले आपने बीजेपी को इस्तीफा दिया? भाई जब दूसरा दल ज्वाइन हुआ तो नेचुरल बात है कि सदस्यता किसी एक ही दल की ना होगी। नहीं अभी सदस्यता जब मैंने यहाँ अपने व्यक्तिगत कारणों से। सुनील जी अब डॉक्टर वरुण से भी आपकी बातचीत होगी? हाँ जरूर होगी, डॉक्टर है तो बात कितनी। आप उनसे समझिएगा कि आखिर किन कारणों से उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया। बिना उनसे जाने और उनके बारे में कुछ भी बोलना मेरे लिए उचित नहीं। सर एक सवाल है कि सीधे तौर पे टिकट वो वापस किया और आपको सीधे टिकट मिल गया? अब ये तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है। अब उनका जैसा कि हमारे अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि उन्होंने अपनी लड़ने की असमर्थता जाहिर की, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जो निर्णय लिया उसके तहत मुझे उम्मीदवार घोषित किया। जब आप यहाँ आए थे तो आपको, आपने कहा कि हमें फोन आया और हम पार्टी का पट्टा लगा के चले आए। हाँ तो किनका फोन आया था? राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोन आया था कि यहाँ पहुँचे, हम पहुँच गए। सुनील कुमार पिंटू सीधे तौर पे जेडीयू की सदस्यता लिए और सदस्यता लेते ही इन्हें पार्टी ने सीतामढ़ी का उम्मीदवार बना दिया। हालांकि वो जब पहुंचे थे उनके कंधे पर पहले से ही जेडीयू के जो पट्टे हैं वो लगे हुए थे, जेडीयू का जो चुनाव निशान है, पार्टी का जो पहचान है वो लगा हुआ था और पहले से वो जेडीयू शामिल हो चुके। उन्होंने कहा मुझे एक कॉल आया और कहा गया कि आप पार्टी कार्यालय पहुंचिए और पार्टी की सदस्यता लीजिए। हालांकि उस समय उन्होंने नहीं कहा था कि वो उम्मीदवार बनाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने इशारा जरूर किया था कि वो सीतामढ़ी से चुनाव लड़ेंगे और अब विधिवत पार्टी के तरफ से उनके नाम की घोषणा भी कर दी गई है कि जो जेडीयू के उम्मीदवार थे डॉक्टर वरुण, उन्होंने असमर्थता जाहिर करते हुए अपना टिकट लौटा दिया है और अब जनता दल यू के तरफ से सुनील कुमार पिंटू एनडीए के उम्मीदवार सीतामढ़ी में होंगे। सहयोगी मनीष और विवेकानंद के साथ गणेश सम्राट, न्यूज फॉर नेशन, पटना।